नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कर्मचारी पेंशन स्कीम का फायदा आप भी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी कागजात का कामकाज होता है, तो उसे आपको पूरा करना होता है। अगर यह पेंडिंग है तो आप कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 1995 पेंशन स्कीम का लाभ जो है नहीं ले सकते। तो इसी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट कर्मचारी पेंशन योजना के संदर्भ में है, तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कर्मचारी पेंशन स्कीम का आप भी ले सकते हैं फायदा। कहीं ये जरूरी काम अब तक पेंडिंग तो नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ काम आपको पहले से ही करके रखने होते हैं, जिसकी वजह से जब आप कर्मचारी पेंशन योजना को लेना चाहेंगे तो आपको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत फायदा लेते हैं तो आपके लिए ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने खास सलाह जारी की है। ईपीएफओ ने ऐसे पेंशनर्स होल्डर्स को सलाह दी है कि आप अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जरूर जमा कर दें। इससे आपको पेंशन पाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। नियम के मुताबिक पेंशन होल्डर को हर साल एक डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। ऐसे लोगों के लिए यह बेहद ही जरूरी काम है। तो जी हाँ दोस्तों, अब ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है तो आप जो है वो कहाँ जमा कर सकते हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर कई जगह पर सुविधाएं दी गई है। तो जैसा कि यहाँ पर ईपीएफओ के मुताबिक कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत फायदा लेने वाले कोई भी पेंशन होल्डर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एक ईपीएफओ ऑफिस, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर में जमा कर सकते हैं। इसे सरकारी पोर्टल jeevanpraman.gov.in के जरिए भी जमा करवा जा सकता है। ध्यान रहे, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ईपीएफओ ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं होती है। तो जी दोस्तों, कोरोना काल में अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट आपके घर से जमा करवाना चाहते हैं, तो आप यह जो लाइफ सर्टिफिकेट है तो वो आप जो जीवन प्रमाण की जो वेबसाइट है तो वहां से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की भी जरूरत नहीं है। साथ में उमंग ऐप से भी आप यह जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है तो वो घर बैठे जमा करवा सकते हैं। तो जी दोस्तों, मैं भी, मेरे सभी जो व्यूवर्स है तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, और उनकी उम्र जो है वो लगभग 60 साल के ऊपर है, यानी वो लगभग 60 से लेकर 80 साल के बुजुर्ग है। ऐसे में कोरोना की वजह से इनको ज्यादा खतरा है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट इस वक्त जमा करवाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी आपको बैंक में जाना होगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे हम ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, तो इसके ऊपर एक डिटेल डेमो चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जरूर बताइए, ताकि मैं आपको जीवन प्रमाण का ये जो वेबसाइट है, साथ में उमंग ऐप है, उस पर हम जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा करवा सकते हैं, तो उसके बारे में आप सभी को पता चल सके और आप जो वो बिना घर से बाहर निकले घर के घर से ही जमा करवा सके। तो जी दोस्तों, इसके लिए आप मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जरूर बताइए। मैं मेरे सभी पेंशनर्स व्यूवर्स के लिए ये जो डिटेल वीडियो है तो वो बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सभी जो पेंशनर्स व्यूवर्स है वो अपने घर पे स्वस्थ रहे। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जान लेते हैं कि जमा करने में इनकी होगी जरूरत। तो जी दोस्तों, ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है तो इसे जमा करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जी दोस्तों, जब आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो इसके लिए आपको आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये सारी जानकारी आपके पास पहले से ही अवेलेबल होगी। अगर किसी के पास उसका पीपीओ नंबर नहीं है, तो उसके लिए मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। ईपीएफओ की जो ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए वेबसाइट है, तो वहां पर जाकर किस तरह से हम हमारा जो पीपीओ फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया। तो इसका जो बटन है, तो ऊपर जो आई बटन आ रहा है तो वहां पर भी मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने देके रखा है, जिसमें मैंने बताया कि हम हमारा जो पीपीओ है वो किस तरह से ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन धारकों द्वारा सबमिट किया जाता है तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो जी दोस्तों, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को साल में कभी भी अपनी सुविधा के मुताबिक
ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से लेकर एक साल तक के लिए वो वैलिड होता है। तो जी दोस्तों, हाल ही में ईपीएफओ द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अभी केवल नवंबर के महीने में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, यानी साल के किसी भी महीने में अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट खत्म होता है, तो आप उसी तारीख को जो है वो उसे रिन्यू करवा सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनवरी में खत्म होने वाला है, तो तभी के तभी आप जो है उसे जमा करवा सकते हैं। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा हाल ही में इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसके लिए आपको नवंबर महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि उमंग ऐप से कैसे कर सकते हैं हम लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार का उमंग ऐप जो है, तो उसे अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें ईपीएफओ की सर्विसेज का ऑप्शन है, तो वहां से भी आप जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करवा सकते हैं। सरकारी उमंग ऐप पर लाइफ सर्टिफिकेट सर्च जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद ओपन हो चुके पेंशनर ऑथेंटिकेशन पेज को आपकी अपनी जरूरी जानकारी देनी होती है और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर काफी आसान सी प्रोसेस है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उमंग ऐप पर सबमिट करने के लिए आपको वहाँ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्च करना होता है। वहाँ पर आपको जो जरूरी जानकारी पूछी गई है तो वो एंटर करनी होती है। उसके बाद आप जो है वो आसानी से वहाँ पर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही घर बैठे सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि भारत सरकार का जो जीवन प्रमाण का वेबसाइट है, तो वहां से भी आप जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, जीवन प्रमाण की ये जो वेबसाइट है, तो उस पर कितने पेंशन धारकों ने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है वो नंबर फ्लैश हो जाते हैं। तो जी दोस्तों, पेंशन होल्डर के लिए सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, जिसका नाम है jeevanpraman.gov.in। उसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए उपलब्ध करवा दिया है। आप इससे आपको काफी जानकारी और मदद मिल जाती है। ध्यान रहे, जीवन प्रमाण पत्र लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होता, तो इसके लिए आपको हर साल जो है वो जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। तो जी दोस्तों, आपकी भी ईपीएस पेंशन आपको शुरू रखनी है, तो उसके लिए आपको हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना होता है। तो जी दोस्तों, अगर आपका भी लाइफ सर्टिफिकेट अभी खत्म होने को आया है और उसे आपको अभी रिन्यू करना है, तो इस वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे सभी व्यूअर जो है वो पेंशन धारक है, ऐसे में सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन सर्टिफिकेट घर बैठे जमा करवा सकते हैं, तो लाभ जो है आप जरूर उठाइए, क्योंकि इस कोरोना महामारी की वजह से आपका घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादातर खतरा जो बुजुर्ग लोग है तो उनको है, और साथ में बच्चों के लिए भी इसे खतरनाक कहा जा रहा है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इसी के बारे में जाना कि कर्मचारी पेंशन स्कीम का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।